इसके लिए जानना जरूरी है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मतलब कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कौन कौन सी डिवीजन होगी सिलेबस की, इस वीडियो में वो डिस्कस करूंगा। डेट ऑलरेडी पहले भी पता है, बात कर चुके हैं, टेंटेटिव डेट अभी तक है, अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है तो 24 जुलाई को आपका संडे को टेस्ट होगा, ठीक। और टेस्ट का टाइम 10:30 AM से 1 PM तक होगा। टोटल 5 पार्ट्स हैं जो आपके एग्जाम होना है, 5 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में क्या है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट। जनरल अवेयरनेस टेस्ट मार्क्स कितने हैं, क्वेश्चन कितने हैं, एमसीक्यू टाइप विद 4 ऑप्शन ये टेस्ट होता है, जो डिफरेंट वीडियोज हैं इस पर मैं बना चुका हूँ, टीचिंग पोटेंशियल पर और इसके बाकी पार्ट्स पर साथ साथ में बन रही है, आप देख सकते हो वीडियो। आप लर्न टू एक्चुअलाइज पर जाकर प्रीवियस पेपर बीएड पंजाब में जाकर वो पेपर खोल सकते हो। दूसरा बीएड एडमिशन के बारे में भी अलग से बना हुआ है। बी पार्ट है, फर्स्ट जनरल अवेयरनेस था, बी पार्ट है टीचिंग पोटेंशियल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का, इसकी काफी वीडियो मैं बना भी चुका हूँ, जो पिछले पेपर सॉल्व किए हैं, मॉक टेस्ट भी बनाऊंगा और इसके अलावा साथ में एजुकेशन के जो डिफरेंट आस्पेक्ट है इन्हीं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट भी साथ साथ में तैयार होगा। इसके भी 30 मार्क्स हैं, 30 क्वेश्चंस होंगे। सी पार्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग भी जिसे बोलते हैं, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन होंगे। डी पार्ट है इंग्लिश, इंग्लिश कंपलसरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस। और आगे ऑप्शन है, आपने एक लैंग्वेज चूज करनी है, पंजाबी या हिंदी। जिन कैंडिडेट्स ने 10th तक कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड पंजाबी इन मैट्रिकुलेशन, अगर 10th तक आपने पंजाबी पढ़ी है, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पंजाबी ही फिल करनी पड़ेगी। अगर कोई पंजाब से बाहर या जिन्होंने पंजाबी 10th तक नहीं पढ़ी तो वो ऑप्शन हिंदी ले सकते हैं, मार्क्स उतने ही होंगे, क्वेश्चन भी 30 ही होंगे। टोटल 150 मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे एंड बी ऑफ टोटल 150 मार्क्स का आपका जो एग्जाम होगा, जो 1 से 90 तक आपके क्वेश्चन जो इंग्लिश और पंजाबी मीडियम दोनों में आएंगे, ठीक है। 90 से प्लस जो होंगे नेचुरली है पंजाबी के, पंजाबी के, और अगर हिंदी के है वो हिंदी में होंगे, तो ये 2 भाषा में हो रहा है आपका टेस्ट। कोर्स कंटेंट फॉर द टेस्ट, फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए जनरल अवेयरनेस टेस्ट, 30 मार्क्स। इसमें कौन कौन से एरियाज शामिल हैं, एजुकेशन है, साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, आर्ट एंड कल्चर है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, करंट इवेंट्स है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, हु इज हु, ये क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूं, जो नया क्वेश्चन के नवोदया विद्यालय पंजाब की सभी स्टेट में है, एक स्टेट में नहीं है, कौन सी है वो स्टेट, तमिलनाडु। क्यों नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वो हिंदी को अडॉप्ट नहीं करते। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, एनसीटीई जो है उसको स्टेटरी स्टेटस कब मिला, ऐसे क्वेश्चन इसमें लार्जली पूछे जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन से मामला है, एजुकेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग पोटेंशियल के 30 क्वेश्चन है, एरियाज क्या होंगे, जनरल नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इस पर काफी वीडियो बन चुके हैं, ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये कंसेप्ट के लिए अलग वीडियो बना है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन वो देख सकते हो। ऑडियो विजुअल एंड मास मीडिया वैल्यू एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल अवेयरनेस ऑफ नेशनल लेवल ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज, जैसे एनसीटीई यूजीसी ऐसी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एजेंडाज, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, टीचर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एडजस्टमेंट, क्लासरूम प्रॉब्लम ऑफ लर्नर एंड देयर सोल्यूशन, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद कैंडिडेट्स कोलीग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपके संबंध एज ए टीचर स्टूडेंट के साथ, कोलीग के साथ, हेड के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे चाहिए। और नेक्स्ट है एग्जामिनेशन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हो।
लाइब्रेरी यूसेज स्कूल एंड सोसाइटी, ये बुक भी है जॉन डीवी की, सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जॉन डीवी की, ये बुक का नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अच्छा, जनरल मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स, क्या क्या होगा, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजीज, सिनोनिम्स एंड ऑपोजिट्स, कोड डी कोड, सीइंग रिलेशन, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ एंड फिगर्स, एवेल्युएशन एंड इन्फ्रेंसेस, ब्लड रिलेशंस, कॉमन, ज्यादा डिफिकल्ट वैसे नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए। बीच में एक दो वीडियो ऐसे बनाऊंगा कि आपकी तैयारी नहीं हुई या कम हुई है तो उनको कैसे सॉल्व करना है, अपने मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेने हैं, वो स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। पार्ट डी इंग्लिश ग्रामर, इडियम, वोकैबुलरी, करेक्शन, पंक्चुएशन, रिटन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ऐसे ही पंजाबी की सेम चीज रिपीट हो रही है। तो एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, मेरे ख्याल में ये डिफरेंट वीडियो नेक्स्ट में बता दूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर टीएस।